नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम पाइल फाउंडेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। पाइल फाउंडेशन कैसे होता है, पाइलिंग कैसे होता है, ये आप सामने देख रहे हैं। ये पाइलिंग मशीन, बिंच मशीन या फिर पाइलिंग रिग भी कहा जाता है। और आगे ये ट्राईपॉड है और ये ट्राईपॉड सेंटर में पाइलिंग का काम करते हैं। ये पाइलिंग का मेनली ये कास्ट इन सीटू पाइल है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो ऊपर है ये बेलर है। बेलर में टू बेल आउट द वाटर एंड मड, मतलब जो भी मिट्टी और पानी है पूरा, जो भी एक्सकेवेटेड होता है वो सब पूरा निकालने के लिए वो बेलर का इस्तेमाल होता है। और ये चीजल है। चीजल मतलब जैसे भी सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, जो भी हार्ड स्ट्राटा है उसको कट करने के लिए या फिर उसको ब्रेक करने के लिए चीजल का इस्तेमाल होता है। ये आप इधर देख सकते हैं, ये लाइनर MS लाइनर है, 6 mm थिक का MS लाइनर। इधर आप देख सकते हैं ये जो पाइल हुआ है पूरा, उसका आउट ऊपर का लाइनर का आप देख सकते हैं। ये पाइलिंग केज है। जैसे पाइल रेडी होता है तो उसमें स्टील डालते हैं, वो ट्राइपॉड जो है उससे सेंटर, उसके सेंटर से ही है उसको पूरा नीचे डाल देते हैं, पाइल में डाल देते हैं। ये पाइल लाइनर का वेल्डिंग है। जैसे जैसे ये पाइलिंग बोरिंग होते जाता है तो वैसे साइड का स्ट्राटा अंदर ना गिरे, इसलिए लाइनर प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ये, और ये लाइनर जैसे जैसे बोरिंग होता है वैसे वैसे नीचे डालते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ताकि कॉन्क्रीट होने के बाद में या फिर कॉन्क्रीट में साइड का स्ट्राटा उसके अंदर ना गिरे। ये देखिए, ये रॉक का कटिंग या फिर चिजलिंग चल रहा है। सॉफ्ट स्ट्राटा जनरली बेलर से ही निकालते हैं, उसके बाद हार्ड स्ट्राटा लगने के बाद चिजल का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए चिजल से ये कर रहे हैं एक्सकेवेशन। जनरली हार्ड रॉक में 1.2 to 1.5 meters तक अंदर जाते हैं। और ये पाइल कास्ट होने के बाद एक पाइल के आप देख सकते हैं, इसके कट ऑफ लेवल से नीचे पूरा वो एक्सकेवेट कर देते हैं। पाइल का एक ग्रुप रहता है, इसमें पाइल कैप बोलते हैं। एक ग्रुप में 6 से 8 पाइल जैसे डिज़ाइन या फिर ड्राइंग रहेगा उसके हिसाब से रहते हैं। और वो एक्सकेवेट करने के बाद ये लाइनर है, ये लाइनर बाद में कट करते हैं और ये कॉन्क्रीट पूरा ब्रेक करते हैं वो कट ऑफ लेवल तक। और कॉन्क्रीट ब्रेक करने के बाद में स्टील को बेंड करके पाइल कैप का रेनफोर्समेंट करते हैं। आप पाइल कैप का ये देख सकते हैं, PCC हुआ है। पाइलिंग वर्क जनरली जहां सॉफ्ट स्ट्राटा या फिर जहां BC सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल होता है, वहीं पाइलिंग का इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं। ये इधर देख सकते हैं आप, ये पूरा लाइनर कटने के बाद में ये स्टील एक्सपोज है, ये बाद में ये कंक्रीट भी चिप करके तोड़ ब्रेक करके निकाल देते हैं। ये देखिए पाइल कैप, ये कट करने के बाद में वो पाइल कैप का रेनफोर्समेंट आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर पहली बार मेरे चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज आपका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।